रेनी डा त्रिदेव जी आ गए हैं। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम त्रिदेव जी। 35 35 नमस्ते नमस्ते 35 नमस्ते त्रिदेव जी। बताइए, आपने तो मेरा नाम ही रख दिया 35 35। तो त्रिदेव जी, मेरे एलबी को शेयर कर दूं क्या और दोस्तों को? क्योंकि मेरा टाइम चेंज हो गया है ना, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि अभी इस टाइम पर एलबी हो रही है। और त्रिदेव जी कह रहे हैं हाँ कर दीजिए। ओके ओके, मैं कर देती हूँ। हाँ त्रिदेव जी, मैंने कर दिया है अलवी को शेयर। मैं ज्ञान हूँ जी। हाँ जी ज्ञान जी, मुझे पता है कि आप ज्ञान हो। और उर्मी जी आ गई हैं, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम उर्मी जी। हेलो विथ लाइक। ओके ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए। और भजन जी कह रहे हैं हाय उर्मी जी। और त्रिदेव जी कह रहे हैं क्या उर्मी जी, आपके एलवी पर मैं तो 3 बार गया बट बहुत जल्दी बंद हो गए। तो उर्मी जी का टाइम ही मुझे नहीं पता है, पता नहीं वो कब करती हैं। और उर्मी जी आपके इंस्टा पे भी आप नहीं मिले। और कृष्णा जी आ गए हैं, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम कृष्णा कृष्णा जी। हेलो मैम, हेलो हेलो, और बताओ आप कैसे हो? और कृष्णा जी कह रहे आज इस टाइम कैसे? अरे कृष्णा जी, पता है दिन में मेरे मोबाइल पर चार्ज नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कहा कि इस टाइम ही कर लेती हूँ, और तभी तो आपको लिंक शेयर किया। और उर्मी जी कह रहे हैं सिस आज नेट इशू को था कुछ। ओ आज तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो कृष्णा जी और बताओ, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, और बताओ आप कैसे हो? और उर्मी जी कह रही हैं स्नेहा कैसे हो? मैं ठीक हूँ उर्मी जी, आप बताओ। मैं हर टाइम सोचती हूँ कि आपकी लाइफ में जाना है, बट टाइम भी नहीं पता होता। और आपकी वीडियोस पर भी कई बार सोचा कि जाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। और त्रिदेव जी कह रहे उर्मी जी पहचानी मुझे। और कृष्णा जी कह रहे मैम आज आपका फास्ट कैसा रहा? तो कृष्णा जी आज मैं फास्ट नहीं हूँ, मैं मंडे फास्ट नहीं रहती हूँ। और उर्मी जी कह रही हैं हाय नहीं सिस। ओके, तो मैंने मंडे तो काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है ना सावन का, तो नहीं रहती हूँ। क्यों आप हो क्या कृष्णा जी? और कौन कौन आज मंडे का फास्ट है ये तो बताओ। और त्रिदेव जी ज्ञान जी कह रहे हैं स्नेहा जी बताए नहीं। क्या बताना था ज्ञान जी मुझे, आपको कुछ बताना था क्या? और कृष्णा जी कह रहे हैं आपने घर का भेज देते लाइट दान।
अच्छा अपने घर का हम भेज देते हैं ना। ओ, और उर्मी जी कह रहे आप नहीं दिन में अलवी नहीं की। अरे उर्मी जी बताया ना कि मेरे यहाँ लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, तो लाइट काफ़ी टाइम से नहीं थी और रात में भी मैंने चार्जिंग में मोबाइल नहीं लगाया था तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, इसीलिए नहीं किया। और कृष्णा जी कह रहे मैम बस सब आपका आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं अच्छा हूँ। अच्छा मेरा आशीर्वाद है, ओके। और उर्मी जी कह रही हैं महिमा बताओ। क्या बताऊँ मैं? अच्छा त्रिदेव जी को आप पूछ रहे हो। अरे त्रिदेव जी ज्ञान जी हैं पता है। और त्रिदेव जी कह रहे उर्मी जी मैं ज्ञान जी हूँ। हाँ मैंने बताया ज्ञान जी उर्मी जी को कि आप ज्ञान जी हो। और राणा जी आ गए। अरे एलवी वालों हमें पहचानो, एलवी मैं आया, कौन हूँ मैं? यार हंस रहे। तो राणा जी आप अपनी आईडी से क्यों नहीं आए हो? और लाइक डन, थैंक यू सो मच राणा जी आने के लिए। वेलकम है मेरी एलवी में आपका राणा जी। और उस दिन के लिए सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं आपको हाइड किया था, उस आईडी को हाइड किया है बाबा। ओ हो हाँ पता है, मैंने पूछा ज्ञान जी से कि वो उसको कैसे हटाऊँ मैं आपको हाइड से, और उन्होंने बताया भी है, लेकिन मैंने एक बार किया था तो मुझसे हुआ नहीं। अभी मैं फिर तुरंत अभी मैं देखूंगी आपको हाइड से कैसे हटाना है। और अमित जी कह रहे जय हिंद स्नेहा से, तो जय हिंद अमित भाई। और बताओ आपकी एलवी बंद हो गई ना 9 बजे? और अमित जी कह रहे हैं ऑन रख दिया है। ओके अमित जी आप ऑन रख दो, जाओ खाना खा लो आप। और अमित जी कह रहे अब मैं आराम करूँगा। हाँ अमित जी आप आराम कर लो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिख रहा था आज आपकी एलवी में। और राणा जी कह रहे हैं अमित भाई राम राम। तो अमित जी राणा जी अभी तक हाइट से बाहर नहीं आए हैं। और मैंने पूछा था ज्ञान जी से, ज्ञान जी ने मुझे बताया था लेकिन मेरे से नहीं हुआ, अब क्या करूँ राणा जी। और कृष्णा जी कह रहे आपका भोजन हुआ मैम। कृष्णा जी आज भोजन नहीं हुआ अभी तक, बस मैं बना ली हूँ, बना के रख दी हूँ, बाद में खाऊंगे। और अमित जी कह रहे हाँ बंद हो गई। हाँ अमित जी आप तो बिल्कुल टाइम पे ही बंद कर देते हो, कितने भी वॉचिंग रहे आप 9 बजे बंद करना है तो बंद करना है। और राणा जी कह रहे हैं मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ, बना लिया हूँ, अपलोड करूँगा। हाँ राणा जी आप कर दो, सबसे पहले तो मैं ही उसको देखूँगी क्योंकि मुझे आपको हाइट से हटाना है। और पता है राणा जी मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस दिन, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो आपको हाइड कर दिया, और मैंने किया नहीं, पता नहीं कैसे आप हो गए, टच किया पता नहीं कैसे हो गए। और ज्ञान जी कह रहे हैं जय हिंद अमित भाई। राणा जी कह रहे अब मैं आराम ना करूँगा। तो राणा जी आप आराम कर लो, एलवी को ऑन करके छोड़ दो। राणा जी ये बताओ कि आज आपने 7:30 पर ही एलवी स्टार्ट कर दी थी ना, मैं आपकी एलवी में थी सबसे पहले, और पता है मैं बहुत टाइम तक अकेले ही ऑन 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 कर रही थी। और ज्ञान जी कह रहे अच्छा आज फिर से बना बताऊंगा। अरे अरे ज्ञान जी मैंने ट्राई किया था बट मुझसे नहीं हो रहा था, और फिर जल्दी जल्दी में शायद मैंने ध्यान भी नहीं दिया होगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि आजकल लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे घर में कॉल बहुत आ रहा है सबका। और अमित जी कह रहे आपका 10 हो गया है आज का, आपका 5 बाकी है, चला दूंगा सिर्फ 12 बजे से। ओके ओके अमित जी आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर देना, और मैंने भी कर रखा है, एक मोबाइल में आपका चल रहा है और एक मोबाइल में ज्ञान जी का चल रहा है। और कृष्णा जी कह रहे हैं मोटे को शेयर किए हैं लिंक आपने? नहीं नहीं मैंने नहीं किया है कृष्णा जी। और राणा जी कह रहे 35:35 हमारा वीडियो इस साल देख लेना, टर्निंग में चल रहा है। अरे ट्रेंडिंग में चल रहा है राणा जी, मैं देख लूँगी आपकी वीडियो, और आपकी वीडियो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ देखने की, कितनी सारी वीडियो मैंने देखी है और कितना सारा काम किया है उस वीडियो को देखने के बाद। और अमित जी कह रहे हैं अहंकार भाई जय हिंद। और राणा जी कह रहे हैं अनुज भाई राम राम। तो राणा जी पता है अनुज भाई आपका ये नंबर पहचान ही नहीं रहे होंगे क्योंकि उन्होंने एलवी को म्यूट कर रखा है। और राणा जी कह रहे हैं हाँ किया था, ओके। और
और हाँ, आपने 7:30 बजे ऑन किया था अलवी को, और फिर मैं 7:30 बजे से 8:30 बजे के आसपास थी, 8:45 तक थी शायद। तो फिर उसके बाद काफ़ी लोग आ गए थे, तो मैंने बोला कि मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे से बहुत काम था मॉर्निंग से ही। और पता है राना जी, आजकल मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, आपका संगत का असर आ रहा है मुझ पर, बहुत जल्दी उठ जाती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ज्ञान जी कह रहे दोबारा नहीं पूछी स्नेहा जी। अरे त्रिदेव, अरे ज्ञान जी, मैंने बताया ना कि पता नहीं क्या हो गया था, मैं 2 दिन से बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा। और पता है मैं कल और परसों 2 दिन और बिजी रहने वाली हूँ, और एलवी भी पता नहीं उस टाइम पे कर पाऊँगी कि नहीं करूँगी, साइलेंट करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और उर्मी जी कह रही हूँ तो थैंक यू उर्मी जी, आप हो। और राणा जी कह रहे कीप मैसेज। अमित जी कह रहे इस समय आपकी एलवी में कौन रहता है मालूम, 1 बजे। हाँ एलवी में एक्चुअली जानते हैं अमित जी, टाइम चेंज होने की वजह से भी बहुत से लोग नहीं आए हैं, और मैंने बहुत लोगों को बताया भी नहीं है, बस आप लोगों को ही बता दिया था आपकी एलवी में, उसके बाद मैंने वैसे बताया भी नहीं है। और कृष्णा जी कह रहे मैं शेयर करके आता हूँ मोटे को। हाँ कृष्णा जी, आप शेयर कर दो तो अच्छा लगेगा। और राणा जी कह रहे हैं अमित भाई आओ सेल्फी ले, सेल्फी ली जाए, जुकाम झुमका गिरा के। अच्छा तो राणा जी आप झुमका कब से पहनने लगे। और राणा जी कह रहे सुमन से राम राम। और अमित जी कह रहे उर्मी से नमस्ते। और अमित जी कह रहे हैं मेरी जगह कौन रहता है 1 बजे। आपकी जगह 1 बजे कोई नहीं रहता है। आपकी जगह 1 बजे, मैं नहीं समझी अमित जी आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपकी जगह कौन रहता है 1 बजे मतलब। और राणा जी कह रहे कि मैसेज। अमित जी कह रहे मैं नहीं रहता हूँ आपकी एलवी में, तो कौन रहता है आपकी एलवी में, आप रहते तो हो 1 बजे। और ज्ञान जी कह रहे ऑन है। और राणा जी कह रहे हमको भी नहीं पता ये टाइम, रुचि से इसने बताया हमको। अरे राणा जी पहले तो मैं इसी टाइम पे लाइव करती थी ना। और अमित जी कह रहे मेरे पास झुमका नहीं है, तो अमित जी मैं आपको झुमका दे देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। और कृष्णा जी कह रहे कि मैसेजिंग। और रोहित जी आ गए हैं, वेलकम टू माई लाइव स्ट्रीम रोहित जी। राधे राधे, और बताओ आप कैसे हो। और कृष्णा जी कह रहे स्नेहा जी से उधार लीजिएगा झुमका। नहीं नहीं उधार लेने की ज़रूरत नहीं कृष्णा जी, मैं ऐसे ही दे दूँगी, मेरे पास बहुत सारे झुमके बने, और पता है हैंडमेड झुमके हैं मेरे पास। और अमित जी कह रहे मैं नहीं रहता हूँ एलवी में आपके 1 बजे, कोई और रहता है, तो कौन रहता है आप उसका नाम तो बताओ अमित जी। और रोहित जी आपने खाना खा लिया। और राणा जी कह रहे हैं परसों से पहचानना लगा झुमके, झुमका कोई शक। तो राणा जी आप परसों से ही क्यों झुमके को पहचान रहे हो, भाभी जी ने झुमका पहना था क्या परसों। और रोहित जी कह रहे ठीक है आप बताओ। मैं ठीक नहीं हूँ रोहित जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कल तक तो फिर भी कुछ ठीक था, बट आज मैं पूरे दिन ठीक नहीं थी, मतलब पूरे दिन तो ठीक थी, उसके बाद से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और ज्ञान जी कह रहे ऑन है ओके। और कृष्णा जी कह रहे नून वाले एलवी में मैं भी नहीं आ पाता, तो मैं इस टाइम एलवी करूँ क्या कृष्णा जी। और ज्ञान जी कह रहे स्नेहा जी वो आईडी दूसरे एलवी में है। ओहो वो आईडी दूसरे एलवी में है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। और अमित जी कह रहे राणा जी जानते हैं कौन रहता है मेरी जगह आपकी एलवी में, पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता अमित जी आप किसके बारे में बोल रहे हो। और कृष्णा जी कह रहे नो बफिंग। हाँ हाँ नो बफिंग है, तो आपको किसने कह दिया कि बफ हो रहा है। कृष्णा जी कह रहे सब लोग मैसेज नहीं करते, कर रहे। अरे सब लोग मैसेज, अभी तो सब लोग फ्री है ना, तो सब लोग मैसेज करो ना, जब कुछ काम करने लगोगे तो फिर मैसेज मत करना। और राणा जी कह रहे हूँ तो ओके राणा जी। और राणा जी पता है आप इस बिल्ली वाली इमोजी में ना डिपी में बड़े अच्छे लग रहे हो। और रोहित जी आप हो के चले गए, हो तो आप मैसेज करो ना।
और अमित जी कह रहे आपकी एलपी में मेरी जगह कौन रहता है, राणा जी को मालूम है। तो राणा जी आप बता दो ना अमित जी की जगह कौन रहता है मेरी एलपी में। और त्रिदेव जी मतलब ज्ञान जी कह रहे हैं ऑन है। ओके ज्ञान जी, और रोहित जी प्लीज आप एक बार मैसेज कर दीजिए। और कृष्णा जी कह रहे 8 से 4 हो गए एलवी में। अरे कृष्णा जी पता है ये पता नहीं वाईटी वालों को क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ये लोग ऐसे ही वॉचिंग करते हैं, वॉचिंग पे मत जाइए। और अमित जी कह रहे उसको अपनी आवाज़ बहुत पसंद है, कौन है। और उर्मी जी कह रही हूँ, कृष्णा जी कह रहे बच्चे सो गए क्या, मेरे बच्चे इतनी जल्दी सोएंगी, मेरे बच्चे अभी जाग रहे हैं, वो लोग हमको सुला के फिर सोते हैं रात में। और कृष्णा जी कह रहे नहीं मैम आप नून वाला जारी रखिए। अरे मैं उसी टाइम पे करूँगी, इस टाइम पे तो आज इसलिए कर लिया ना क्योंकि दिन में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं नहीं कर पाई थी। और रोहित जी आप हो तो प्लीज़ मैसेज करो। और अमित जी कह रहे राणा जी से पूछिए, तो राणा जी आप प्लीज़ बता दो कि 1 बजे मेरी एलवी में कौन रहता है अमित जी की आईडी से। और ज्ञान जी कह रहे आवाज़ तो मुझे भी बहुत पसंद है आपको, मतलब आपको मेरी आवाज़ पसंद है। अच्छा मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता कि किसको किसको पसंद है। और ज्ञान जी कह रहे इसीलिए तो आपकी मिस किया आपकी आवाज़, आज मिस किया आपकी आवाज़। ओके ज्ञान जी आप मेरी आवाज़ मिस कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, चलो कोई तो मिस किया मेरी आवाज। तो रोहित जी प्लीज आप मैसेज करिए अगर हो तो। और अमित जी कह रहे अब मैं लंच कर लूँ ऑन है। ओके अमित जी आप लंच कर लो, लंच नहीं डिनर कर लो। और कृष्णा जी कह रहे स्नेहा मैम आपको सिंगर होना चाहिए आर्टिस्ट नहीं। अच्छा मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं सिंगर हो जाऊँ। अरे नहीं नहीं गाने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, न सुर है न ताल है, बिल्कुल भी म्यूज़िक दूर दूर तक वास्ता नहीं है म्यूज़िक में। और ज्ञान जी कह रहे स्नेहा जी आज एक और एलवी आपका चलाया है, बहुत हंसी है आपकी एलवी, आपकी एलवी को सुनते हुए आप मतलब मेरी एलवी को चलाए थे और उसमें आवाज़ आपने खोल रखी थी और मेरी एलवी को चला करके आपको हंसी आ रही थी। तो ठीक है अब मैं नहीं हंसूंगी, बिल्कुल सीरियस रहूंगी एलवी में। ओके पता है ज्ञान जी कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं खुद जब अपनी एलवी चलाती हूँ और मुझे अपनी हंसी को सुन के भी हंसी आ जाती है कि मैं इतना हंस रही थी। फिर पता है बाद में सोचती हूँ कि मैं बड़ा कंट्रोल करूँगी लेकिन होता ही नहीं है मेरे से। तो रोहित जी आप मैसेज कर दीजिए अगर आप हो तो। और निखिल जी आ गए हैं, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम निखिल जी, और बताओ आप कैसे हो। और उर्मी जी कह रहे आज 10 पर मेरे एलवी क्या। उर्मी जी अभी आप 10 पर एलवी करोगे क्या। उर्मी जी अगर आप अभी 10 पे करोगे तो फिर मैं आ जाऊंगी। और निखिल जी कह रहे हैं 9 बिग लाइक। ओके थैंक यू सो मच निखिल जी, और आपकी कोलैब वाली वीडियो तैयार हुई। और निखिल जी कह रहे कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ निखिल जी, आप बताओ। आपकी आवाज़ सुनने के लिए चलाया हूँ क्या ज्ञान जी आप बिना मेरी आवाज़ सुनने के लिए आप मेरी एलवी चलाए हो।
तो मेरी अलवी में बस कुछ भी नहीं, ऐसे ही हंसते रहती हूँ मैं। और ज्ञान जी कह रहे और आपकी हंसी अच्छी लगती है, हंसते रहिएगा। अच्छा मैं हंसती रहूँ, मेरी हंसी अच्छी लगती है। हाँ आप ही बोलते हो, और तो कोई बोलता ही नहीं है। और निखिल जी कह रहे हैं हाय त्रिदेव जी, तो थैंक यू सो मच, आपको मेरी हंसी इतनी अच्छी लगी कि आप मेरी अलवी चला चला के सुन रहे हो। और निखिल जी कह रहे हैं हाय उर्मी जी, तो रोहित जी आप हो तो मैसेज करो ना। और निखिल जी कह रहे हैं वेलकम गाइस टू अलवी। निखिल जी आप बताओ आप कैसे हो। और निखिल जी कह रहे कैसे हो आप सब गाइस, तो सभी लोग तो ठीक लग रहे हैं। और मैं भी इस टाइम पे आज अलवी की हूँ, रोज़ तो नहीं करती हूँ, बट आज मैंने दिन में अलवी नहीं की थी तो इस टाइम पे अलवी की हूँ। और कल का भी मेरा डिसाइड नहीं है कि उस टाइम पे होगा कि नहीं होगा, बट अगर नोटी मिले तो प्लीज़ आ जाना सब लोग। और उर्मी जी कह रही निखिल जी हेलो, तो उर्मी जी आपने क्लियर नहीं बताया, बताओ ना आप अभी एलवी करोगे 10 बजे। निखिल जी कह रहे फाइन हूँ मैं, ओके। और ज्ञान जी कह रहे हैं हाय निखिल ब्रो। और राणा जी कह रहे हैं सोनी जी राम राम। और राणा जी कह रहे मैं यही हूँ, ऑन करके मैसेज कर रहा हूँ। हाँ राणा जी मुझे पता है आप यही हो और ऑन करके मैसेज कर रहे हो। राणा जी मैं आज ही आपके वो हाइड से हटाती हूँ, मुझे पता तो था नहीं बट ज्ञान जी ने मुझे बताया था, फिर से मैं अभी चेक करती हूँ। और कृष्णा जी कह रहे मैम आपके वहाँ का नेटवर्क कैसा है, इसलिए पूछा था कि यहाँ बफ हो रहा है। ओके तो इतना पहले का क्वेश्चन अब आप बता रहे हो कृष्णा जी, तो पता है आपके यहाँ का नेटवर्क सही नहीं होगा तो इसलिए बफ हो रहा होगा सिर्फ आपको, बाकी यहाँ तो बफ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मैसेज आप लोग करते रहिए। और निखिल जी कह रहे हाय कृष्णा जी, तो जो भी न्यू हो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ। और निखिल जी कह रहे राम राम व्हाट्सअप जी, तो व्हाट्सअप जी राणा जी हैं। और राणा जी कह रहे हैं मैं यही, और कृष्णा जी कह रहे हैं बफ हो रहा था, ओके तो आपके पास ही बफ हो रहा होगा। निखिल जी कह रहे हैं हाय कृष्णा जी। प्लीज़ मैसेज करिए आप लोग। और कृष्णा जी कह रहे हाय निखिल जी कैसे हो आप। कृष्णा जी कह रहे हैं डिनर हुआ निखिल जी। ब्यूटी जी कह रही हैं हाय, तो उर्मी जी आपने अपना टाइम नहीं बताया, आप 10 बजे करोगे ना। और निखिल जी कह रहे कृष्णा जी ठीक हूँ, तो निखिल जी आपके बच्चे हैं कि अन हो रहे हैं, मेरे तो बहुत अन हो गए हैं। और ज्ञान जी कह रहे ऑन, ओके ज्ञान जी। और निखिल जी कह रहे हैं कर रहा हूँ डिनर, ओके डिनर में आप क्या खा रहे हो। और कृष्णा जी कह रहे हैं ओके निखिल जी। और निखिल जी कह रहे हैं किया आदि, कुछ नहीं निखिल जी, मैंने ऐसे पूछा कि आप क्या खा रहे हो। सब्जी पराठा, ओके। तो
निखिल जी, जब आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी तो आप मुझे बता देना, ओके? क्योंकि मैं भी, कल हो सकता है कि मैं एक दो दिन में वीडियो तैयार कर लूँगी कोलाब वाली, तो आप भी जल्दी से जल्दी कर लेना। और अनिल जी आ गए हैं, वेलकम टू माई लाइव स्ट्रीम अनिल जी, हाय। बड़े दिनों बाद आए आप रियल वी में। और उर्मी जी कह रहे हैं निखिल कम, तो निखिल जी आप उर्मी जी से दोस्ती कर लो, आप उनको दोस्त बना लो। अनिल जी आप कैसे हो, लंच डिनर हो गया? मैसेज करिए प्लीज़। और कृष्णा जी कह रहे हैं बंगलोर में रेणुका जी रहती हैं, वो भी एलवी लेती हैं, उनका मोनो हो गया। हाँ कृष्णा जी, मुझे पता है रेणु जी का मोनो हो गया। और पता है सौम्या को आप जानते हो ना कृष्णा जी, सौम्या का भी मोनो हो गया है। और कृष्णा जी कह रहे कौन सी सब्जी थी निखिल जी। और कृष्णा जी कह रहे हैं भूख लग रही है अब तो मुझे, तो कृष्णा जी जाओ आप खाना खा लो। और निखिल जी कह रहे हूँ ओके निखिल जी। और सौम्या का भी मोनो हो गया है, पता है ना सबको, हम लोग कब पहुँचेंगे वहाँ तक? अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत हार्ड वर्क करना है। प्लीज़ मैसेज करते रहिए। सभी लोग लग रहा है खाना खाने लगे एक साथ ही। और कृष्णा जी कह रहे हैं इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए कोई ट्रिक है? पता नहीं कृष्णा जी, मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कृष्णा जी को बता दो कि इंटरनेट कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाए तो। कृष्णा जी आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई आजकल? और अनिल जी कह रहे हैं गंगा जी क्या हुआ? तो यहाँ पे गंगा जी कौन है अनिल जी? गंगा जी तो कोई नहीं है। और क्रिएशन जी आ गई हैं, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम क्रिएशन जी, हाय माय डियर। तो आप बताओ कैसे हो, थैंक यू सो मच आने के लिए लाइव में। और बताइए कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी? क्रिएशन जी क्या कर रहे हो आप? और क्रिएशन जी कह रही हैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लाइक कर दिया। ओके ओके क्रिएशन जी, लाइक करने के लिए। और बताइए आप कैसे हो? और राणा जी कह रहे हूँ तो ओके राणा जी, आप खाना खा लो। क्रिएशन जी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो लंच का टाइम है, नहीं सॉरी डिनर का टाइम है। और क्रिएशन जी कह रही अभी खाना खाया, डे टाइम है। हाँ वही मैं बोल रही थी, आपके यहाँ तो अभी डे टाइम होगा, यहाँ तो नाइट हो गया है, यहाँ सब नाइट का डिनर कर रहे हैं और आप डे का लंच कर रहे हो। अनिल जी कह रहे हैं मैंने किए दिए में मतलब नहीं समझे अनिल जी। और अमित जी कह रहे हैं कल जब आपकी 1 बजे एलवी होगी ना तो बोलिएगा आप, अमित नहीं है तो कौन है बताइए। ओके ओके अमित जी मैं बोल दूँगी। और राणा जी कह रहे हूँ, क्रिएशन जी कह रहे हैं आपको ऑन देखा तो एल के करने आ गई, थैंक यू सो मच क्रिएशन जी। और क्रिएशन जी कह रहे हैं व्हाट्सअप कम टू मी,
तो व्हाट्सअप राणा जी आप दोस्त बनाते हो क्या इस आईडी से? तो क्रिएशन जी को डन कर दो। राणा जी अगर इस आईडी से आप दोस्त बनाते हो तो क्रिएशन जी को डन कर दो। और उर्मी जी कह रही है ऑन है, ओके। और क्रिएशन जी कह रही है मिस्टर कम जॉइन मी। तो मिस्टर कौन है? मिस्टर अमित यादव जी हैं। तो अमित जी अगर आप इस आईडी से दोस्त बनाते हो तो क्रिएशन जी को दोस्त बना लो। और कृष्णा जी कह रही मैम जी आप चुप क्यों हो जाते हो? तो मुझे मैसेज जब शो होता है तो ही तो मैं पढ़ूंगी कृष्णा जी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैसेज तो आप लोगों को शो हो जाते हैं बस, बट होस्ट को लेट में शो होता है। जब मैं दूसरे मोबाइल से चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है। कभी कभी ऐसा होता है मैसेज लेट मिलते हैं। और कृष्ण जी कह रही कृष्णा कम, तो कृष्णा जी कृष्ण जी को दोस्त बना लो। और कृष्ण जी कह रहे कृष्णा कम, तो कृष्णा जी आप कृष्ण जी को दोस्त बना लो। राणा जी कह रहे हूँ, कृष्ण जी कह रहे हैं अनिल कम डियर। तो अनिल जी अगर आप दोस्त बनाते हो तो कृष्ण जी को दोस्त बना लो। वैसे अनिल जी दोस्त नहीं बनाते, वो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करने आ जाते हैं कभी कभी। और कृष्ण जी कह रहे हैं अनिल कम डियर। और कृष्णा जी कह रहे हैं गंगा जी आए भी थे क्या? तो है कहाँ? नहीं गंगा जी नहीं आए थे, मुझे भी गंगा जी नहीं दिखे हैं। और राणा जी कह रहे हूँ हूँ, ओके राणा जी। अमित जी कह रहे हैं मैं लंच कर रहा हूँ। ओके ओके अमित जी आप लंच कर लो। राणा जी कह रहे हूँ। उर्मी जी कह रहे हाँ सिस करूँगी। ओके 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 उर्मी जी, फिर मैं आती हूँ अभी अपनी एलबी को क्लोज करूँगी। तो और प्रियंका जी के लिए जो एलटीआर के साथ बनाएगा मैं भी वापस कर दूँगी। ओके और कृष्णा जी कह रहे हैं क्रिएशन जी मेरे स्नेहा जी की कम्युनिटी में एलटीआर दिया है। तो क्रिएशन जी कृष्णा जी ने मेरी कम्युनिटी पे एलटीआर दिया है, वहाँ से उनको डन कर दो। और रोहित जी आ गए हैं, आज अनुज जी नहीं आए क्या? नहीं आज अनुज जी नहीं आए हैं, अपने साले जी के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मेरा भाई आया हुआ है ना, तो दोनों लोग बातें कर रहे हैं और हम यहाँ आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो अभी भाई देखेगा तो बोलेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो अभी किसी को पता तो है नहीं कि ये होता क्या है, तो इसीलिए वो नहीं आए हैं, वो उसी से बातें कर रहे हैं और एलवी ऑन करके छोड़ रखा है। तो रोहित जी आप मोड बन गए हो, तो अपना कार्यभार आप संभालिए। कोई भी स्पैमिंग लेटर हो आप तुरंत भी रिमूव कर सकते हो। और कृष्णा जी कह रहे हैं आप मुझे डन करो मैं रिटर्न करूँगा। तो कृष्णा जी डीएन के बीच में स्पेस नहीं लगाया है आपने भी। और क्रिएशन जी कह रहे ओके कृष्णा, तो क्रिएशन जी आप भी बहुत कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हो। और राणा जी वेल डन का इमोजी दे रहे हैं। और ज्ञान जी कह रहे हैं बाय स्नेहा जी एक मोबाइल ऑफ हो गया। ओके बाय ज्ञान जी, थैंक यू सो मच एलवी में आने के लिए। और ज्ञान जी आप ये बताओ अभी आप एलवी करोगे ना 10 बजे, तो एक मोबाइल से मैं उर्मी की आईडी से मैं उर्मी की एलवी में जाऊंगी और एक मोबाइल से आपकी एलवी में आती हूँ। और रोहित जी कह रहे हैं जी ठीक है ओके ओके, थैंक यू सो मच रोहित जी। आप ऊपर का मैसेज चेक कर लो, बहुत ज़्यादा स्पैम हुआ है। अगर हो सके तो स्पैम आप रिमूव करते रहना। और ज्ञान जी कह रहे हैं आज वन ओके ओके ज्ञान जी ठीक है आप कर देना, मैंने आपका कर रखा है, अभी भी है वो मेरे दूसरे मोबाइल में ऑन है आपकी लाइव। मेरे में आज लाइट की सुबह से प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने बातें की हैं बहुत सारी बातें की हैं। और कृष्ण जी कह रहे कृष्णा जी आपको एलटीआर के साथ कर दिया, आप भी कर दो प्लीज़ वापस।
तो क्रिएशन जी, आप बहुत कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हो डियर। और कृष्णा जी कह रहे, क्रिएशन जी आप टेंशन ना लेना, मैं रिटर्न करूँगा पक्का विथ LTR। बस अभी बव ज़्यादा हो रहा है, तो क्रिएशन जी प्लीज़ आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, कृष्णा जी आपको वापस से रिटर्न कर देंगे, ओके। और ज्ञान जी कह रहे, ये एलवी कब बोल रहा हूँ स्नेहा जी। ज्ञान जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, एलवी का बोल रहे हो, ओके ओके ज्ञान जी मैं समझ गई, थैंक यू सो मच। ठीक है आप कर देना और मैं तो आ जाऊँगी आपके लाइव में, और अगर नहीं आ पाती तो मैं भी आपका डन कर दूँगी, ओके। हाँ ज्ञान जी मुझे समझ आ गया। और क्रिएशन जी कह रहे हैं महिमा कम, तो त्रिदेव जी आप क्रिएशन जी को दोस्त बना लो, उसके बाद आप चले जाना। और त्रिदेव जी कह रहे हैं मैं फ्रेंड नहीं बनाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल साफ मना, मैं कोई दोस्त नहीं बनाता हूँ, मुझे कोई डन मत करो। तो क्रिएशन जी, ये जो त्रिदेव जी है ना, ये फ्रेंड नहीं बनाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ना बना के किसी और को बना लो। क्रिएशन जी कह रहे ओके कृष्णा ब्रो ट्रस्ट यू। हाँ कृष्णा जी बहुत ट्रस्ट वाले हैं। और ज्ञान जी कह रहे ओके स्नेहा जी, ओके ज्ञान जी, और आप जा रहे हो ज्ञान जी, तो ओके बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। और राणा जी मोजी दे रहे हैं, राणा जी कह रहे कीप मैसेज, तो प्लीज़ आप मैसेज करते रहो सब लोग। और ज्ञान जी कह रहे इस आईडी पर ट्रस्ट सब चाहिए, ओनली पब्लिक्स। हाँ ज्ञान जी आप ठीक बोल रहे हो, ये आईडी ऐसे ही है और बहुत अच्छी है, मैंने इनका वजन देखा था। और ज्ञान जी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, प्लीज़ आप बता दो कि ये जो मैंने ये वाली एलबी की है, तो क्या इससे भी कम होते हैं क्या सब्सक्राइबर? और क्रिएशन जी कह रहे ओके सिस आई एम गोइंग नाउ, तो ओके थैंक यू सो मच क्रिएशन जी, आप आए और एलवी में इतना टाइम दिए। और क्रिएशन जी कह रहे अभी बिजी हूँ, तो ओके कोई बात नहीं, आप जाओ, अभी आपने लंच किया है तो फिर आराम भी करना होगा। और राणा जी कह रहे कीप मैसेज, तो प्लीज़ सब लोग मैसेज करते रहो। और ज्ञान जी कह रहे एलवी से क्यों कम होगा सब? पता नहीं, मैंने ऐसे सुना था कि हो सकता है कि एलवी से कम हो। और क्रिएशन जी कह रहे टेक केयर डियर, तो ठीक है टेक केयर क्रिएशन जी, ओके बाय। मुझे नहीं पता ज्ञान जी, मैंने ऐसा सुना था कि इस वाली एलवी से हो सकता है कि सब कम हो रहे हों, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और क्रिएशन जी कह रहे आराम नहीं करना है सिर्फ, और हंस रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको रेस्ट करना है, आराम भी तो आपको करना होगा, अभी तो वहाँ पे डे है तो फिर खाना हो गया आपका, तो आप आराम करो और क्या करोगे, या तो फिर आपको वीडियो शूट करनी होगी। मैंने आपकी मैंगो केक वाली वीडियो देखी थी, ज्ञान जी कह रहे हैं एक्चुअली तेलुगु वाला होते हैं ना,
जब हम लोग एलवी करते हैं तो उनको हम लोग की हिंदी समझ नहीं आती तो अन कर देते हाँ देव जी ऐसा होता है, लेकिन अन नहीं करना चाहिए। मैंने भी कई लोगों को किया था। और कृष्ण जी कह रहे हैं थैंक्स। ओके, तो पता है क्या जी, मैंने भी कई लोगों को कर रखा है जो हमारे लैंग्वेज से नहीं है, बाहर की लैंग्वेज से है और समझ में नहीं आता है मुझे। तो मैंने पता है क्या हुआ, मुझे नोटी बहुत मिलती थी तो मैंने बेल को ऑफ़ कर दिया है उन लोगों को। और अन करने का क्या फ़ायदा है, जब अन ही करना था तो दोस्त क्यों बनाया। लेकिन मैंने किसी को भी अन नहीं किया, ठीक है करना है करो, बट मैंने बेल को ऑफ़ कर दिया उतने लोगों को। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिसकी बेल ऑफ़ नहीं की है मैंने। और क्रिएशन जी कह रहे थैंक्स। ओके थैंक्स। और उर्मी जी कह रही है निखिल कहाँ चैनल नहीं मिल रहा है। तो उर्मी जी, निखिल जी क्या LTR मेरी कम्युनिटी पे है शायद, तो आप वहाँ चेक करके वहाँ से कर दो डन। और वैसे निखिल जी चले गए मुझे लगता है। और क्रिएशन जी कह रहे बाय, तो बाय बाय क्रिएशन जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। और ज्ञान जी कह रहे हैं हम तेलुगु को फ्रेंड्स बनाते ही नहीं बहुत अच्छी बात है ज्ञान जी, आप बहुत अच्छा करते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग बहुत बनाए थे और मैंने भी बना रखा था, बट उनको मैंने अन नहीं किया, मैंने बेल को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं सबको बेल के साथ ही करती हूँ। इतनी नोटी मुझे आती है, मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैंने जितनी भी बाहर की लैंग्वेज थी मैंने बेल को ऑफ़ कर दिया। और प्लीज़ मैसेज करिए आप लोग। ओके ज्ञान जी बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। टेक केयर। ओके बाय ज्ञान जी, टेक केयर। और ज्ञान जी कह रहे रितिका जी मैं जा रहा हूँ। ओके ज्ञान जी आप चले जाओ, होके आ जाओ। और उर्मी जी कह रही है महिमा जी बाय। तो उर्मी जी पता है जो महिमा जी हैं ना, ये ज्ञान जी की आईडी से आई हुई है। करे एलवी लाइक तो, और बाय उर्मी जी, तो ज्ञान जी बाय कर रहे हैं। और ज्ञान जी कह रहे मैं ही था देव से, हाँ मैंने बताया है उर्मी जी को, और मुझे तो पता है ना कि आप भी तो देव से हो। अमित जी कह रहे हैं ऑन है। ओके अमित जी,
और उर्मी जी कह रही हैं बाय ज्ञान जी। हाँ तो ज्ञान जी चले गए उर्मी जी। कीप द मैसेज प्लीज फ्रेंड्स, मैसेज करो। उर्मी जी कह रही के ज्ञान जी। हाँ जी, ये त्रिदेव जी की आईडी से जो आए थे वो ज्ञान जी हैं। ओके ओके उर्मी जी, बाय। थैंक यू सो मच उर्मी जी आने के लिए। और आप अपनी एलवी को स्टार्ट करना, तो फिर मैं अभी आती हूँ। और उर्मी जी एक मिनट, जाने से पहले मेरी कम्युनिटी पे एक LTR छोड़ देना। आपने दिया है कि नहीं दिया है मेरी कम्युनिटी पे LTR? तो आपकी एलवी में आने में थोड़ा मैं इजली पहुंच जाऊंगी ना आपकी लाइव में। फोर वॉचिंग है, कोई मैसेज नहीं कर रहा है।
राना जी कह रहे हूँ तो इमोजी ही दे रहे हो राना जी। ओके और कौन कौन है प्लीज़ मैसेज करो। राना जी आपको कितनी वॉचिंग शो हो रही है? और हमें जी कह रहे हैं स्नेहा इससे एक मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? अमित जी क्या हो गया प्लीज़ बताओ ना। और राना जी इमोजी दे रहे हैं, कह रहे हैं हैंड वॉश कर लो, सैनिटाइजर दे रहे हैं। अमित जी बताओ ना क्या हो गया। अमित जी प्लीज बताओ ना क्या हो गया। और राणा जी कह रहे हूँ राना जी कह रहे हूँ तो अमित जी आप बताए नहीं क्या हुआ है प्लीज़ बता दो। अमित जी कह रहे अभी सुबह जी की एलवी चला रखी है तो मेरी जगह जो एलवी अटेंड करता है वो भाई मिस्टर यादव वाली आईडी से था, मैं भी आपके मिस्टर यादव वाली आईडी से ही थे। मतलब आप दोनों लोग मिस्टर यादव जी की आईडी से थे। मेरे मैसेज कर दिया हूँ हाइड में चला गया क्या? अमित जी मुझे मैसेज तो आपका ये शो हो रहा है, अपने इसके अलावा भी कोई मैसेज किया है क्या? आपको शो हो रहा है जो आपने मैसेज लिख किया है यही है कि अभी शुभ जी की एलवी चल रही थी तो मेरे जगह वो एलवी अटेंड करता है वो भी मिस्टर यादव वाली आईडी से था, मैं भी आपके मिस्टर यादव वाली आईडी से। हाँ तो किसी ने कुछ बोल दिया क्या आपको? तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या अमित जी प्लीज़ बता दो ना। मुझे तो आप पे ट्रस्ट है, आप मेरी टेंशन ना लो, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है कि अगर आप हो तो हो, बाकी का मुझे नहीं पता। बट किसी ने कुछ बोला है क्या अमित जी? और राणा जी कह रहे हूँ ओके राणा जी। स्नेहा आप जाओ मैं हाँ राणा जी आप जाओ, थैंक यू सो मच राणा जी इतना टाइम देने के लिए।
और अना जी आज मैं आप कोशिश करूँगी कि आप हाइट से हट जाओ। मैंने कोशिश एक बार की थी, दोबारा नहीं की, आज मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। और सच में मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि आपको पता नहीं कैसे हाइट हो गए आप। और अमित जी कह रहे उसको बोला हूँ कि तुम कहीं भी जाना तो अच्छा सर वाली आईडी से जाना, एसआर वाली आईडी से जाना, तो मिस्टर वाली से वो भी चला गया, चली गई और मैं मिस्टर वाली से। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई है अमित जी, आप प्रॉब्लम बताओ। ये मत बताओ कि आप चले गए वो भी चले गए, आप प्रॉब्लम बताओ कि उसमें प्रॉब्लम क्या हुई। कोई बात नहीं, अगर चले गए तो क्या हो गया। तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या अमित जी, आप प्लीज़ क्लियर करो, प्रॉब्लम क्लियर करो। आप ये मत बताओ कि कौन कहाँ गया, बस आप प्रॉब्लम क्लियर करो कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अमित जी कह रहे हाँ जब वो अभी एक साथ चल रही है तो एक ही आईडी से दो एलवी में मैसेज जाए तो लोग गलत शक कर लेते हैं और सही शक करते हैं। तो अमित जी मैं नहीं शक वक कर रही हूँ, अगर आपने कहा है तो मैं मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। और मैं मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं शक करूँ, और ना मैं शक करती हूँ ना मुझे लगता है कि कोई भी फ्रेंड मुझ पर शक करे। तो आप मेरी तो टेंशन बिल्कुल ना लेना, बाकी और लोग क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। ओके आप मेरे से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपने बोला है तो आप हो तो आप हो, बस आप किसी भी आईडी से हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप एक ही आईडी से मेरे पास भी हो कहीं और भी हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और अमित जी कह रहे ये दूसरा मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक हुआ था तो स्क्रीनशॉट आया कि दो एलवी में एक। अरे अमित जी आप टेंशन ना लो। हाँ वैसे बहुत लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अगर मुझे कोई कुछ भी बोलता है, अगर मुझे अपने फ्रेंड्स पे भरोसा है ट्रस्ट है तो मैं पहले अपने दोस्त से बात करूँगी कि ऐसा किया है, अगर उसने बोला है नहीं किया है तो नहीं है, बस मुझे दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको बहुत मानती हूँ, भाई हो आप मेरे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो कि मैं कुछ सोचूंगी या मुझे किसी ने कुछ बताया तो मैं उल्टा पुल्टा सोचूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है अमित जी। ओके मेरी तरफ से आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके अमित जी अब कोई भी टेंशन आप मत लो। वैसे भी ज़िंदगी में बहुत टेंशन भरे हुए होते हैं, अब ऐसी ऐसी बातों पे टेंशन लेंगे तो कहाँ रहेंगे ये बताओ। और अमित जी कह रहे ये मुझे बदनाम करवाने की छोड़ेगी वाईटी पर। तो लड़की है क्या अमित जी, तो आपकी आईडी से वो क्यों जाती है, आपने बताया होगा तभी तो वो आपकी आईडी से जाती है। हाँ पता है अमित जी, अभी वो बार बार आपकी आईडी से पूछ रही थी कि 1 बजे कौन रहता है, आप अमित जी से पूछो, आप राणा जी से पूछो 1 बजे कौन रहता है। और काफ़ी अजीब अजीब से वो कर रही थी क्वेश्चन जो भी रहा हो आपकी आईडी से। तो मैंने कई बार पूछा भी कि बताओ ना राणा जी बताओ ना, तो बोले कि राणा जी को पता है वो यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था। तो बताओ अमित जी वो आप थे कि कोई और थे, वो मेरा सपोर्ट करती है, उसको बोला हूँ एसआर वाली आईडी से जाना,
और वो उस आईडी से आ जाती है। तो ये तो गलत है ना, जब आपने बोला है तो फिर अगर मिस्टेक एक बार हो गई, दो बार हो गई, लेकिन हर बार मिस्टेक थोड़ी नहीं होती है। तो आपने आईडी दी क्यों? हाँ वो मतलब उस आईडी से, आपकी आईडी से काफ़ी बहकी बहकी बातें हो रही थी। ये तो मुझे अभी, मेरे स्क्रीनशॉट है कि नहीं है? अब तो नहीं है, शो नहीं हो रहा है। ओके, और मुझे शो नहीं हो रहा, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट करके देती। और अमित जी क्या कह रहे हो, शुरू से मैं हूँ अपनों एलबी पे। ओके, तो अमित जी आप टेंशन मत लो, जो कर रहा है करने दो, बट हाँ अपनी आईडी आप वापस ले लो उनसे, क्योंकि अगर ये कर रही हैं तो ये गलत कर रही हैं। अगर मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ पूरा, और फिर पता नहीं अगला कोई विश्वास करे ना करे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। और अमित जी कह रहे, वही ना बोल रहा हूँ, बदनाम करवा के छोड़ेगी। ये तो गलत है, किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बातें भी मुझे लग रहा था, बट मुझे लगा कि उसने बोला कि मैं कोई और हूँ, आप पता करो, आप पूछो राणा जी से, पूछो राणा जी को पता है। मैंने पूछा भी, लेकिन राणा जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं शांत हो गई, मैंने फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया उनसे। मैंने कहा ठीक है, फिर आप जो भी हो, अगर आए हो तो आप रहो एलवी में। तो आप अपनी आईडी को वापस नहीं ले सकते हो? इसका कोई सलूशन हो तो उसका सलूशन जल्दी कर लो, वरना फिर वो कहीं कुछ और गड़बड़ ना कर दे। ओके अमित जी, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना मेरी तरफ से, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अगर आपके पास नंबर तो आप उसको कॉल करके बोल दो, इंस्टा पे मैसेज कर लो, वैसे मैसेज करके बोल दो कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, गलत नहीं करो, किसी को ऐसे यूज़ नहीं किया जाता है। अब चलता हूँ स्नेहा से, इंस्टा पे बात होगी इस बारे में। ओके ओके अमित जी, आप इंस्टा पे ही बात करना, ऐसे लाइव में बात करना अच्छा नहीं लगता है। और मैं अभी एलवी को बंद करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, मैं इंस्टा पे आपसे बात करूँगी, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके अब चलता हूँ स्नेहा से, जय हिंद जय हिंद अमित जी। ओके बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। और क्या बटालियन, मेरी बिट्टी जी आ गए हैं, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम बटालियन जी, अविनाश जी नाम है ना आपका, जय हिंद। कोई जानता है क्या मुझे? अरे मैं जानती हूँ अविनाश जी, कैसी बातें आप कर रहे हो, हम लोग इतना मिलते हैं और फिर भी नहीं जानेंगे दोस्तों को। तो कैसे हो आप अविनाश जी? और थैंक यू सो मच आने के लिए अविनाश जी, आप बताओ, अगर हो तो बताओ ना आप कैसे हो। हाँ अविनाश नाम है मेरा, हाँ हाँ अविनाश जी मैं पहचान गई आपको। और आपने ऐसा क्यों पूछा कि क्या कोई मुझे जानता है? तो मैं तो जानती हूँ आपको। अविनाश जी आपने खाना खा लिया, डिनर हो गया आपका? मैं ठीक हूँ। ओके आप ठीक हो, बहुत अच्छी बात है, आप ठीक भी रहो।
तो अविनाश जी आप ये बताओ कि आपके कुछ आपके कितने हो गए, 1K हुए हैं कि नहीं हुए आपके? मेरे तो पता है 1K से भी कम होने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कल तक कम ना हो जाए। एक दिन में 50-50 एन हो रहे हैं मेरे, और 3 दिन में 250 कम हो गए, 3-4 दिनों में। आपके एन हुए कि नहीं हुए? अविनाश जी अगर आप हो तो मैसेज करो। अविनाश जी कह रहे हाँ खा लिया आपने? खाया नहीं अविनाश जी, अभी मैंने नहीं खाया है। मैं तो दोपहर में 1 बजे एलवी करती हूँ ना, तो आज दिन में नहीं की थी, तो रात में कर ली अभी 9 बजे, और अभी मैंने खाना नहीं खाया है। और आपकी एलवी का टाइम क्या है अविनाश जी, आप एलवी करते हो? तो अविनाश जी आप हो कि चले गए? अविनाश जी बोल रहे हैं वैसे दी मैं दूसरे की एलवी में जा रहा हूँ, ऑन है बात बात सपोर्ट की हो तो मैं एक डिवाइस कॉन्टेक्ट करके जा रहा हूँ दी। ओके ओके आप जाओ, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके अविनाश जी वैसे भी मैं ज़्यादा देर एलवी नहीं करूँगी, मैं मुझे भी क्लोज करना है एलवी, तो मैं भी क्लोज कर दूँगी। तो आप जा सकते हो आप एलबी में। ओके बाय, थैंक यू सो मच आने के लिए। और इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद दी, ये मेरे ही है अविनाश हूँ, ये कंटेंट रहे, ये कनेक्ट रहेगा। ओके थैंक यू सो मच अविनाश जी। और अभी 5 वॉचिंग है तो प्लीज़ मैसेज आप लोग करिए। और अविनाश जी कह रहे हैं बाय जय हिंदी। ओके ओके बाय अविनाश जी, आप जाओ दूसरे के एलवी अटेंड कर लो, और थैंक यू सो मच आने के लिए। और अविनाश जी कह रहे हैं मैं एलवी नहीं करता दी। हाँ हाँ मैं वही सोच रही थी कि आप एलवी नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? 1K अभी नहीं हुए, एलवी का ऑप्शन नहीं मिला होगा आपको, तो ओके जब आप एलवी करोगे ना तो फिर मैं भी आया करूँगी आपके एलवी में। बस मैं भी अभी ज़्यादा देर लाइव नहीं करूँगी, बस 20 मिनट और करूँगी,
तो मेरे हो जाएंगे टाइम पूरे, तो फिर मैं क्लोज कर दूंगी लाइफ को। और अविनाश जी कह रहे हूँ ओके अविनाश जी, तो अविनाश जी आप कहाँ से हो? और ये आपके चैनल का नाम आपने खुद सोचा है या किसी ने आपको सजेस्ट किया है? मुझे तो जब मैं अपना चैनल का नाम रख रही थी ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रखूँ क्या, तो मैंने खुद के नाम पे ही रख लिया।